चलते हैं रायपुर, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। विशेष सचिव डॉक्टर रवि गुप्ता जी, मंच सभी अतिथि उपस्थित देवियों सज्जनों और सभी हमारे अन्य प्रदेश पर आए हुए सभी अतिथिगण और पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं नगर निगम रायपुर, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा इलेक्ट टेक्नो मीडिया को साधुवाद देता हूं। आपने आयोजन किया और इसके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। यह आयोजन रायपुर में हो रहा है, इसलिए बहुत सारी बातें रायपुर से शुरू होकर रायपुर खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब बात निकली है तो दूर तक जाए। राजधानी होने के कारण रायपुर छत्तीसगढ़ में शहर है, यह अलग बात है। इस शहर के आधे रौनक जल्दीबाजी में 30 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है, वरना छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 18 सालों में तो रायपुर के चेहरे की चमक ही कुछ और होती। कहा जाता है अब पछताए हो क्या देखिए। मैं कहना चाहता हूं हमें जितना प्यार खेत खास से है उतने ही अपने शहर और बाजार से। अगर हमें सुधार करना है तो हमें यह मानना पड़ेगा विगत 18 वर्षों में छत्तीसगढ़ के शहरों की पहचान बजबजाती नालियां, बदबू फैलाते मुक्कड़ों, टूटी फूटी सड़कें, बेतरतीब बाजारों, बर्बाद ट्रैफिक व्यवस्था, गुमशुदा नागरिकों की सुविधा होने लगी। हमारे नेता राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के साथ त्रिस्तरीय नगरी निकायों को भी सहायता दी थी, पूरे अधिकार दिए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में अधिकार को लगातार छीनने की काम हुआ है। आदरणीय साथियों, मैं अधिकारों की बात में ज्यादा जोर नहीं दूंगा, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ काम करने का आवश्यकता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अब लिपापोती से काम नहीं चलेगा। गांधी जयंती के एक दिन पहले 5 स्टार होटल के सामने झाड़ू लेकर फोटो छपवा देने से काम नहीं चलेगा। वास्तविक रूप से काम करने की आवश्यकता है। इनोवेशन का मतलब सिर्फ बदलाव नहीं है, बल्कि ऐसा बदलाव है जो बेहतर करने के लिए। आज हमारे मन में ये सवाल उठते हैं, हमारे मोहल्ले के गंदे पानी आखिर हमारे तालाबों में क्यों जाते हैं, और यदि नाली बना है तो बहता क्यों नहीं है। हमारी जितने गंदगी है हमारे नदियों में क्यों जाते हैं, उसको रोकने के ठोस उपाय क्या है। हमारे घर में तो नल की टोटियां लगी हुई, शुद्ध जल क्यों नहीं जाता है। हमारे गली मोहल्ले साफ क्यों नहीं होते हैं। जब तक के इनमें ठोस काम नहीं होगा तब तक की बात नहीं बनेगी। आज महापौर जी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम मध्य भारत में सबसे अच्छा काम वो करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन ये कहना चाहता हूं हमारी नालियां कचरा फेंकने का नहीं है, हमारे घर से निकले हुए चाहे बर्तन धोने का पानी है, चाहे नहाने के पानी को पहनने के लिए है। क्यों कैसे बहे, वो जाम न रहे,
बरसात के पानी सड़कों पर न बहे, इस दिशा में लोगों को सोचने के लिए काम करने का आवश्यकता है। आप हमें ऐसे तकनीक बताइए जिससे हमारी शहर की हवा शुद्ध हो और सांस की बीमारी हमारे प्रदेश को निजात मिले। आप हमें ऐसी तकनीक बताइए जिससे हमारे शहरों का विकास भी हो और प्रदूषण भी ना फैले। आप हमें ऐसी तकनीक बताइए कि शहरों में मच्छरों का प्रकोप न हो और डेंगू से लोगों की मौत न हो। हमें ऐसी स्मार्ट सिटी चाहिए जहां जनता अपनी आधी जिंदगी सड़कों पर न गुजारना पड़े। ये कुछ सवाल हैं जिसके बारे में हम सबको सोचना संधारण के भी कार्य और नए निर्माण के कार्य। आज कॉलोनियां बच जाती है लेकिन कॉलोनी बसाने के पहले हम लोग नहीं देखते उसको ड्रेनेज किस प्रकार से। नाली तो बन जाती है लेकिन विभिन्न नालियों को जोड़ के जो बड़ी नाली बनती है वो ऊपर होता है और छोटी नाली नीचे होता है तो पानी नहीं रुक जाता, वो जाम हो जाता है। ये जो डिजाइन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें बड़ी खामी दिखती है और इसके लिए एक प्रॉपर उसकी डिजाइनिंग हो उस दिशा में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। आदरणीय साथियों, मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर जहां पॉलिटिक्स के खिलाफ अभियान ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का आवश्यकता है कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें। हमको संकल्प लेने का आवश्यकता है, कचरा जहां तहां हम नहीं फेंकेंगे। हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है हमारे घर के सामने जो नाली है वो साफ रहे, हमारे घर के सामने जो सड़क है वो साफ रहे, हमारे घर के सामने जो पेड़ पौधे लगे हैं उसमें पानी और खाद की व्यवस्था हो। जब तक कि इस प्रकार से हम आम नागरिक को जोड़ने का काम नहीं करेंगे तब तक कि कोई भी अभियान सफल नहीं होगा। इसलिए ये अभियान जो इनोवेशन बस दिल और दिमाग के साथ भावनाओं से जुड़ना चाहिए तभी सफलता मिलेगी। मैं पुनः इस कार्यक्रम के लिए रायपुर नगर निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी और इलेट टेलो मीडिया को पुनः बधाई देता हूं कि आपने रायपुर में आयोजन करके देश और दुनिया के विभिन्न अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धता हासिल की, शोहरत हासिल की, उनको यहां लाकर परिचर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और हमारे शहरों को सुंदर कैसे बने, आम लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, इसके लिए कार्यशाला ने आयोजित किया। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देते हुए धन्यवाद विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। फॉर्मर एनसीओ इलेक्ट्रिक मीडिया को मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदर्शन करने के लिए। तो चलिए इसी साथ बुढ़ा साहब नहीं देखते।